नमस्कार, मैं हूं तृप्ति एपीटीवी भारत से और हम खड़े हैं रामपुर हुनर हाट के एंट्री गेट पे। ये लगाया गया है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की तरफ से रामपुर में रामपुर हुनर हाट, जो कि देश का 23वां हुनर हाट है। और आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस हुनर हाट का आनंद उठा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं इस हुनर हाट के। तो चलिए चलते हैं अंदर और जायज़ा लेते हैं इसके अंदर क्या क्या हो रहा है इस हुनर हाट में। हुनर हाट में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज है और रामपुर के लिए बिल्कुल एक नए टाइप का सेटअप है। इस एग्जीबिशन ग्राउंड पर हम लोग यहाँ बचपन से आ रहे हैं, मगर ऐसा सेटअप, इतना अच्छा डेकोर, इतना थॉटफुली बना हुआ मैंने पहले कभी नहीं देखा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं, नया टैलेंट मिल रहा है देखने के लिए। तो इससे कहीं ना कहीं एक नई पहचान मिलेगी रामपुर को? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी पहचान मिलेगी इससे, इस प्रोग्राम से। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे हुनर हाट के बारे में? नहीं, बढ़िया स्टार्टिंग है ये वोकल फॉर लोकल के लिए, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बहुत बढ़िया स्टार्ट किया है। तो लोकल जो भी प्रोडक्ट्स हैं और जो हुनर है उसको ग्रोथ मिलेगा, आगे बढ़ेगा और लोगों की नज़र में भी आएगा। जो हम लोग बाहर के लिए ब्रांडेड भागते हैं, तो ये लोकल का ही पता चलेगा कि हाँ, लोकल में भी बहुत जोश है। एक्चुअली बच्चों को मैंने इनको करीब से दिखाया कि किस तरह से आर्ट जो है वो करीब से देखा इन्होंने, और आर्ट से मुतालिक जो चीज़ें हैं, किस तरह से क्रिएटिव चीज़ें हैं, ये आर्ट सक्का तो भी बना रहे हैं, इन्होंने देखा किस तरह से आर्टिस्ट जो है, किस तरह इनकी पिक्चर्स, इनकी गैलरी को बहुत करीब से देखा, बहुत क्रिएटिव है बहुत। ये इनको दिखाना, करीब से देखना चाहते थे हम लोग, कि बच्चे अभी तक स्कूल के बीच में गैप रहा काफ़ी, बीच में इनको कुछ अच्छी चीज़ नहीं मिल पाई, तब इन्होंने आने के बाद यहाँ देखा और देखने के बाद इनको बहुत अच्छा लग रहा है। सिस्टम है यहाँ और सिस्टम के साथ साथ यहाँ पर डिसिप्लिन है। हुनर हाट में आप आए हैं, ये हुनर हाट कैसा लग रहा है आपको? ये हुनर हाट रामपुर का पहला ऐसा मेला लगाया गया है जो अभी तक नहीं लगाया गया है मेरे सामने, और इस मेले से मुझे लगता है यहाँ के रामपुर वासियों को रोज़गार उपलब्ध होगा। जो हर साल यहाँ पे पनवड़िया में मेला लगता था, उससे क्या अलग है इस बार? देखिए, अलग होने की बात तो एक तो ये है कि लोकल आदमी की भी शॉप यहाँ पे हैं और बाहर राज्यों की भी शॉप आई हुई हैं, तो यहाँ के आदमी को बहुत कुछ देखने और सीखने को भी मिल रहा है। कैसे पता चला हुनर हाट के बारे में? सारे बैनर्स वगैरह देख के पता चला। क्या लगा यहाँ पे आके, क्या अलग है कुछ? अभी तो घूम ही रहे हैं, लोकल फॉर वोकल है यहाँ पे, और यहाँ पे जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा पसंद आ रहे हैं हमको। और भारतीय संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया गया है, जो बच्चे अब नहीं ज़्यादातर मोबाइल पे लगे रहते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में यहाँ आजकल के बच्चे तो फ़ोन चलाते हैं, जैसे कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हो ही रही हैं आजकल रोज़, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अलग नया देखने को? न्यू वैरायटी ऑफ फूड्स, न्यू वैरायटी ऑफ क्लोथ्स एंड मेनी अदर थिंग्स। फूड की बात करिए आपने, तो क्या खाया? क्या अभी हमारे पापा ने ट्राई करवाया हमें, लिट्टी चोखा, राजस्थान स्पेशलिटी, पटना की, पटना स्पेशलिटी, बहुत टेस्टी था। फूड स्टॉल्स सबसे बेस्ट है, फूड स्टॉल्स में पाव भाजी स्टॉल्स, डोसा स्टॉल, फूड क्लोथ्स, क्लोथ्स अभी तो दो ही ट्राई करें अभी इधर से, अभी हम लोग अभी आए तो क्लोथ्स पे गए, फिर फूड पे आए। एंड बहुत, क्योंकि अभी हम सेंट मेरीज में गए, हमारी प्रिंसिपल हमें एक ऐसी जगह लेके गई थी जहाँ एक पोर्टर होता है कि वो कुमार का काम जो करते हैं, दीपावली के वक्त हम सेंट मेरीज की तरफ से हमें कैमरी चमरौआ लेके गई थी, तो वहाँ उन्होंने हमें दिखाया कि वो लोग सिर्फ इसी काम से, उनके घर में मिट्टी का काम हुआ हुआ था, बल्कि अभी यहाँ के पता चल रहा है कि उनका हुनर यहाँ दिखाया जा सकता है। देखिए, बहुत साल हो गए थे इसमें का कोई प्रोग्राम हो नहीं पा रहा था, तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनका काम पब्लिक को पता चले या कहीं बाहर पता चले, उसके लिए बहुत ज़रूरी था ये, कि इसका लगना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि कम से कम उनका हुनर बाहर निकल के आएगा और आगे भी बढ़ेगा, जिससे कि उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और गवर्नमेंट भी यही चाहती है। लोकल और वोकल के लिए कहेंगे कि मेरा मानना है कि भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है, भारत सरकार लोकल वोकल के लिए बहुत ही प्रयास कर रही है, जिससे कि जो ज़मीनी स्तर का आदमी है, जो ज़मीन का आदमी है, वो थोड़ा सा ऊपर उठे और उसकी आय भी दुगनी हो। रामपुर के अंदर एक छत के नीचे पूरा भारत बसाया गया है, अलग अलग राज्यों से आए हैं, तो क्या बहुत अच्छी बात है, अलग अलग राज्य ऐसे आए हैं
और एक छत के नीचे बसाया गया है कि इससे ये देखने को मिलता है कि हमारी संस्कृति बाहर के राज्यों में कैसी है और हमारे रामपुर की संस्कृति कैसी है। हुनर हाट को लेके सरकार से क्या अपेक्षा? हुनर हाट को लेके सरकार से अपेक्षा है कि अगर आपने हुनर हाट लगाया है तो इनके लिए कुछ ऐसा भी किया जाए कि जैसे कि किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को पूरा करने के लिए बैंकों से या सरकार से कुछ ऐसी मदद दी जाए जिससे कि वो अपना हुनर आगे बढ़ा सकें। लेकिन लेकिन सरकार हुनर हाट में जब जो भी शॉप लगे हैं उनको हर पर डे क्या कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती है तो जो राशि, तो उसमें लोन की तो कोई बात ही नहीं। नहीं देखिए ऐसा है ना कि अगर हुनर हाट लगा है तो ये मिनिमम शायद 10 दिन या 15 दिन के लिए लगा है, बट उसके बाद जाने के बाद वो वहीं अपनी परिस्थिति में पहुंच जाएंगे। अगर गवर्नमेंट उनका रजिस्ट्रेशन करके और गवर्नमेंट कुछ और करके उनको थोड़ा सा प्रोवाइड कराएगी कुछ चीज़ के कि हम आपको कुछ ऐसा प्रोवाइड करा देते हैं, लैंड प्रोवाइड करा देते हैं, फाइनेंशियल प्रोवाइड करा देते हैं, तो उनका ज़मीनी स्तर और ऊँचा हो जाएगा। तो आज हमने बात करी यहाँ पे रामपुर के जो लोग हुनर हाट में आए हुए हैं कि उन्हें यहाँ पे आके कैसा लग रहा है और किस किस चीज़ का लुफ्त उठा रहे हैं वो। तो हमने देखा कि काफ़ी जनता खुश है यहाँ हुनर हाट में आके, एक ही छत के नीचे पूरी भारतीय संस्कृति को दर्शाया हुआ है, हर उम्र और हर लिंग के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इस हुनर हाट का मज़ा ले रहे हैं। और ऐसा उनका मानना है कि इस तरीके के वोकल फॉर लोकल जो मोटो है उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है आत्मनिर्भर भारत की ओर, एक बहुत अच्छा प्रयास है। और इस तरीके के कार्यक्रम आगे भी आयोजित करते रहने चाहिए जिससे लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा, साथ ही अपनी पूरी भारतीय संस्कृति एक ही छत के नीचे देखने का अवसर भी मिलेगा। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं तृप्ति, एपी टीवी भारत से।